हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए बच्चों, हमने जो है पिछले वीडियो में पार्ट 11 बहादुर लड़के ये हम लोग ने कहानी पढ़ा था। आज जो है हम लोग उस पार्ट का अभ्यास प्रश्न ये लिखेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने जो है सभी जो है अभ्यास प्रश्न के प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 के यहाँ पर हल जो है हमने लिख दिया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है, पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। मतलब जो वाक्य दिया गया है बच्चों, उसके सामने आपको जो है उसका सही विकल्प लिखना है। उसमें बुक में आपके एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। उसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा विकल्प सही है, उसको आपको उसके सामने लिखना है और उसी विकल्प के सामने वाले पर आपको राइट का निशान लगा देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो हम लोग का कि जाल के पिता क्या काम करते थे। जाल के पिता क्या काम करते थे, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया है, वे एक बढ़ई थे, बढ़ई का मतलब कारपेंटर, या वे एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। चित्रकार का मतलब जान ही रहे हैं आप, ठीक है, पेंटर, या फिर वे एक किसान थे, आर्टिस्ट, चित्रकार, आर्टिस्ट, कलाकार, ठीक है, वो होता है, या वे एक किसान थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो आपने कहानी में पढ़ा था बच्चों कि जाल जो है एक किसान का लड़का था, किसान का बेटा था। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, जाल के पिता क्या काम करते थे, वे एक किसान थे, ठीक है, वे एक किसान थे। ये ऑप्शन नंबर 100 आपका सही रहेगा। और उसके बाद बच्चों लिखा है, जाल कहाँ का रहने वाला था। जाल कहाँ का रहने वाला था, तो ऑप्शन दिया है वह अमेरिका के एक शहर में रहता था, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है बच्चों, वह अमेरिका के एक गांव में रहता था। और तीसरा ऑप्शन है उसमें, वह अमेरिका में नहीं रहता था। फिर और चौथा ऑप्शन है इसमें, इनमें से कोई नहीं। तो आपने कहानी में पढ़ा था कि जाल जो है कहाँ का रहने वाला था, वह अमेरिका के एक गाँव में रहने वाला था, ठीक है, एक गाँव में वो रहता था। तो आप ऑप्शन नंबर 2 को सही करेंगे और उसके सामने आप इसको राइट करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। आपको ये वाक्य दिया गया है, इसमें खाली स्थान है, उसमें आपको भरना है। यहाँ हमने भर दिया बच्चों, जॉर्ज एक बहादुर लड़का था। कहानी में आपने पढ़ा था, अपने बहादुरी का परिचय देते हुए उसने जो है डूबते हुए लड़के की जान को बचाई थी। तो इसलिए आप लिखेंगे, जॉर्ज एक बहादुर लड़का था। आगे नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, वह लिखा है, वह स्कूल पढ़ने जाता था। वह प्रतिदिन स्कूल पढ़ने जाता था, क्या लिखेंगे, प्रतिदिन जो लिखे हुए उसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे ताकि आपको पता चले कि कौन सा वर्ड आपने यहाँ पर जो है फील किया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सब लोग यहाँ देखिए बच्चों, कहानी के अनुसार इसमें थोड़ा सा मिस्टेकिंग किया है, आप इसको बना लेंगे, सब लोग खड़े देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें आप क्या भरेंगे, सब लोग चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे, चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। तो यह चुपचाप में भरेंगे और उसके बाद बच्चों यहाँ तमाशा दूसरा शब्द, ठीक है, 2 शब्द आपको भरना है। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कौन में देखिए बच्चों, लिखा है, जॉर्ज एक बहादुर लड़का था। अभी अभी आपको बताया गया कि जॉर्ज एक बहादुर लड़का था, कहानी में आपने पढ़ा था, इसलिए ये वाक्य जो है आपका सही हो जाएगा, इसको सही करने से लगाएंगे। आगे लिखा है जो जॉर्ज के पिता एक किसान थे, एकदम बिल्कुल राइट। अभी आपने पहले आप सबसे
तो यहाँ पर भी आप जो है राइट कैंसर लगेंगे चिन्ह। उसके बाद वह स्कूल पढ़ने नहीं जाता था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी पहले आपने भरा था वह प्रतिदिन स्कूल पढ़ने जाता था, इसलिए यह बात जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे इसमें जो है नेक्स्ट टू इसमें वाक्य और है सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर ऊपर। देखिए बच्चों, यहाँ बालक की माँ जो थी, जो बालक डूब रहा था उसकी माँ उस जाल को जो है गले से लगा लिया। क्यों? क्योंकि जाल ने जो है बहादुरी का परिचय देते हुए उस डूबते हुए बालक को नदी के बाहर निकाला था। ठीक है, तो जो है उनको जैसे ही निकाला तो गले लगा ली थी, इसलिए वाक्य सही हो जाएगा। उसके बाद अंगा वाला देखिए आगे चलकर, आगे चलकर वह अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ये भी बात में जो आपका एकदम सही है, इसको आप राइट कैंसर लगाएंगे यहाँ। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन समाप्त हुआ। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए लिखा है। उत्तर नंबर को आप लिखेंगे उत्तर नंबर को। ठीक है, केवल ये उत्तर लिखा जा रहा है यहाँ पर। बचपन से ही जात में कौन कौन से गुण थे, तो आप लिखेंगे बचपन से ही जात बड़ा साहसी मेहनती और दयालु नदी। बस सर, मान लीजिए पाँच मिनट, पाँच छः मिनट, ये बस।
बस एक क्वेश्चन है तो पूछ नहीं पा रहे। देखिए बच्चों, जब जाट नदी के किनारे पहुंचा तो वहां वह लोगों की भीड़ को देखा, जिसमें से एक औरत के रोने चीखने की आवाज आ रही थी, यह उसने देखा। आगे उत्तर नंबर ब, उस औरत का बेटा नदी में डूब रहा था, इसलिए वह औरत रो रही थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है बच्चों, बच्चे के निकट पहुंचकर जार्ज ने क्या किया? उत्तर नंबर घ, बच्चे और
देखिए बच्चों, जब बच्चे ने निकट पहुंचकर बच्चे किसके लिए आया है? जाल के लिए। तो सॉरी बच्चे, ये बच्चे जो जाल के लिए नहीं है, बच्चे के निकट पहुंचकर जो टूटता हुआ बालक था उसके पास, निकट माने पास पहुंचकर उसने, किसने? जाल ने। उसने यह जाल के लिए आया है, ठीक है, उसने बच्चे को पकड़ लिया और उसे अपनी पीठ पर लादकर किनारे की ओर बढ़ने लगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है क्वेश्चन आंसर जो है, ये अभ्यास प्रश्न से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर था ये बच्चों समाप्त हुआ। इसको आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पर और इसको लर्न करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग जो है इस पाठ का शब्द बोध और व्याकरण बोध से रिलेटेड क्वेश्चन और रचनात्मक कार्य है उसको भी देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।